लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मेगा एक्सपो का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के रेशम और उत्तर प्रदेश के खादी और हैंडलूम के कपड़े बनाने वालों से लेकर मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही इस मेगा एक्सपो में रेशम पैदा करने वाले किसानों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। रेशम उत्पादकों को मंत्री राकेश सचान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न से सम्मानित किया। इसके साथ ही मंत्री ने रेशम मित्र पोर्टल का लोकार्पण किया और पत्रिका का विमोचन किया। सभी विभागों के द्वारा जो ODOP है उनके भी स्टॉल लगे हैं, हमारे खादी के भी स्टॉल लगे हैं, केंद्रीय रेशम बोर्ड के भी, हमारे रेशम से जुड़े पूरे देश से कर्नाटक से लेकर के सभी प्रदेशों का जहां वो भी सारे स्टॉल लगे हैं। और ये कार्यक्रम लगाया गया कि हमारे जो बुनकर हैं, उद्यमी हैं, ODOP वाले हैं, MSME हैं, खादी हैं, माटी कला बोर्ड के द्वारा जो दिए बनाए जा रहे हैं, गणेश लक्ष्मी हैं, इनका भी सभी की खरीदारी लोग दिवाली में ज़्यादा करते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए ये कार्यक्रम लगाया गया है। और इसमें इस मेले में आप आएंगे तो सभी तरह का उत्पाद आपको मिल जाएगा जो आपकी पसंद होगी। 10 जगह नहीं घूमना होगा। इसी मेले में लगभग 250 दुकानें लगाई गई हैं और पूरा हमें भरोसा है कि जिस तरह से अभी हम लोग घूम रहे थे तो लोगों से पूछा कि काफ़ी बिक्री लोगों की हो रही है और आपके द्वारा प्रचार प्रसार इसका होगा, तो निश्चित तौर पर राजधानी के रहने वाले लोग दिवाली की खरीदारी करने के लिए इस मेले में आएंगे।